क्या करेंगे, x प्लस वाई का पावर 100 है तो क्या तक जाएगा, 100 सी जीरो x का पावर 100 इंटू वाई का पावर 0 प्लस 100 सी वन x का पावर 99 इंटू वाई का पावर 1 प्लस 100 सी टू x का पावर 98 इंटू वाई का पावर 2। समझ लो कि नहीं, ये कहां तक जाएगा, 100 सी 100 तक, x का पावर 0 y का पावर 100। सिमिलरली x माइनस वाई का पावर 100 दिस इज 100 सी 0 x का पावर 100 इंटू वाई का पावर 0 माइनस 100 सी 1 x का पावर 99 y का पावर 1 प्लस 100 सी 2 x का पावर 98 इंटू वाई का पावर 2 माइनस, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये भी प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, आप बताओ, माइनस वाई का पावर 100। लेकिन अगर 99 लिए रहते, अगर यहां 100 के जगह 99 लेते तो क्या हो जाता यहां पे, माइनस माइनस। इसीलिए मैं कहा कि n पे निर्भर करेगा। तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, देयरफॉर x प्लस वाई का पावर 100 प्लस x माइनस वाई का पावर 100, ये क्या मिल जाएगा, ऐड कर दो, कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 100 सी 0 x का पावर 100 प्लस 100 सी 2 x का पावर 98 फिर 100 सी 4 x का पावर 96 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, हाँ ये वाई, ये वाई यहां पे होगा, वाई का पावर 2 वाई का पावर 4, इस तरह से चलता जाएगा लास्ट में 100 सी 100, ये तो नहीं ना कटेगा, वाई का पावर 100। तो कितने टर्म हो गए, देखो 0 से लेकर के 100 तक और सारे इवन है तो 50 टर्म्स हो गए, कटे कितने टर्म, नो 51 टर्म कैंसिल हुआ। तो जब यहां पे एन इवेन होगा तो एडिशन के केस में कितने टर्म्स कटेंगे, 51 टर्म्स कटेंगे, यानी ये वन, ये 51 टर्म, ये कैसे, ये 2 से लेकर के 100 तक 50 हो गया, ये 51 टर्म बचा, हाँ 50 टर्म्स कट गए, वही तो मैं कह रहा हूं 50 टर्म्स कटे आपके, हाँ हाँ वही 50 टर्म्स कट गए। तो यहां पे लिखिए, व्हेन एन इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म्स कैंसिल्ड, कितना हो जाएगा, कितने कैंसिल हुए, 50 तो एन बाय टू, जैसे यहां 100 है, 100 बाय 2 यानी कैंसिल टर्म कितना हो गया, 50। किस केस में, जब ऐड किए तो, अब सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ये कट गया, 100 सी 1 एक्स का पावर 99 वाई प्लस 100 सी 3 एक्स का पावर 97 इंटू वाई का पावर 3 डॉट डॉट डॉट, इससे पहले वाला टर्म जो होगा 100 सी 99 नहीं, क्या हो जाएगा, एक्स का पावर कितना, 1 से लेकर के 99 तक, 1 3, हाँ कितना हो गया, 1 3 है, 1 3 5 99, 1 3 5 7 99 कितना हो गया, निकाल लेंगे, बोलो डी हो गया ना, एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 98, ये 49, तो n का वैल्यू 50।
समझे, तो यहां क्या लिखेंगे, when n is even then number of terms cancelled, यहां पे कितने टर्म्स कैंसिल बचे, 51 टर्म्स कैंसिल हो गए, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू n बाय 2 प्लस 1। बचे कितने, n बाय 2 टर्म। ये याद रखना, ये एडिशन में, ये सब्ट्रैक्शन में, when n is even then number of terms cancelled in case of this subtraction, in case of this addition, पूछा जाता है, yes, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड में भी पूछा जाता है, एडवांस एडवांस में तो नहीं पूछा जाता, बोर्ड में जरूर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, वहां पे भी पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पूछ सकता, पूछ तो सकता ही है। लिख लिया ना, आगे आगे बढ़े, चलो अब फिर से एक्सपेंशन करते हैं x प्लस वाई का पावर n का, x प्लस वाई का पावर n इज एन सी जीरो एक्स का पावर n इंटू वाई का पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स का पावर n माइनस वन वाई का पावर वन एन सी टू इंटू एक्स का पावर n माइनस टू वाई का पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स का पावर n माइनस थ्री वाई का पावर थ्री एंड सो ऑन, कहां तक जा रहा है ये, एन सी एन एक्स का पावर n माइनस एन वाई का पावर n, या इसको डायरेक्ट लिखो x का पावर 0 इंटू वाई का पावर। इस पे पैटर्न जरा देखो तो क्या हो रहा है, x का पावर जो हो रहा है इन दोनों का डिफरेंस है, यहां सेकेंड टर्म में देखो तो क्या है, 1 है, फर्स्ट टर्म में 0 है, थर्ड टर्म में ये 2 है, फोर्थ टर्म में ये 3 है, तो हम rth टर्म में क्या लिखेंगे, एन सी आर माइनस वन। अच्छा, एक्स का पावर क्या होगा, एन माइनस दिस, एंड वाई का पावर क्या होगा, ओनली दिस वन, तो दिस इज आर एथ टर्म। आर प्लस वन एथ टर्म अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, एन सी, यहां आर प्लस वन है तो यहां क्या होगा, एक कम, यानी आर, एक्स का पावर एन माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस वाई का पावर, ठीक है। टी आर प्लस टू अगर हमें लिखना है तो दिस इज एन सी आर प्लस वन, एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू वाई का पावर आर प्लस, दीज आर कॉल्ड जनरल टर्म, कोई भी आप इसको जनरल टर्म बता सकते हैं,
आ गया समझ में, आगे बढ़े। अब यहां पर देखो तो ये लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में x का पावर जीरो दैट इज वन हो गया, तो ये तो बोलेंगे टर्म फ्री फ्रॉम x, या इसको बोलेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। पहला वाला टर्म को देखो तो इसमें y का पावर जीरो है, यानी इस टर्म को बोलेंगे दिस इज द टर्म फ्री फ्रॉम वाई, और बोलेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। बोलेंगे या नहीं? तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स एक्स और वाई पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म y पे इंडिपेंडेंट, y से इंडिपेंडेंट है, और लास्ट टर्म जो है वो x से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम कहते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब x वाला टर्म एब्सेंट है, नहीं x का पावर जीरो, ठीक है, तो लिखेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x means the power of x is zero, term independent of y means the power of y is zero, कंसेप्ट क्लियर है ना? अब जरा देखो यहां पे, अगर हम कहते हैं कि कोई एक्सपेंशन x प्लस वन बाई एक्स का पावर 200, तो इसमें जनरल टर्म क्या होगा? टी आर प्लस वन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 200 सी आर एक्स का टी आर प्लस वन लिखो, या टी आर जो भी लिखो, टी आर लिख देते हैं, ठीक है। तो एक कम होगा यहां पे r माइनस वन, तो ये 200 माइनस आर माइनस वन हो गया। 1 बाई एक्स का पावर कितना होगा? आर माइनस वन, तो यहां पे हो गया 200 सी आर माइनस वन इंटू एक्स का पावर ये 1 माइनस आर, और ये x का पावर कितना होगा? 1 माइनस आर, ठीक है ना? इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 200 सी आर माइनस वन इंटू एक्स का पावर ये 202 माइनस 2r हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस वन, इसका मतलब ये वाला चीजें क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? तो लिखेंगे टर्म फोर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x टू हंड्रेड माइनस टू आर इज इक्वल टू जीरो, तो टू आर का वैल्यू 200, तो r का वैल्यू 100 हो गया। r का वैल्यू 100 मतलब यहां पे टी 100 हो गया, यानी सौवां टर्म जो होगा वो क्या होगा? x से इंडिपेंडेंट होगा, यानी उसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा। बीच वाला टर्म भी हो सकता है, सौवां टर्म बीच में कैसे? जैसे यहां x प्लस वन बाई एक्स का पावर 200 कर रहे हैं, बीच में हो गया ना, हाँ ले रहे हैं या नहीं है? वहां एंड में आ रहा है, कोई बात नहीं। ये तो यहां x प्लस वन बाई एक्स है, आई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाए कि x का पावर, हाँ इसको लिख लो, एनसीईआरटी लाए हो क्या? हाँ लाए हो, निकालो, लाओ एनसीईआरटी।
सब बता दिए, सब खत्म, बाइनोमियल खत्म, हम्म, इतना ही है दैट्स ऑल। एक बताएंगे डिविजिबिलिटी, अब तुम फर्स्ट लेकर के लास्ट तक करो, जो क्वेश्चन डॉट होगा वो बताएंगे। मिडिल टर्म बता देते हैं, मिडिल टर्म कितना होगा, आया बात समझ में। अब देखो यहां पे n अगर इवन होता है, इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी व्हाट, और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो मिडिल टर्म कितने होंगे, एक होंगे, तो लिखेंगे देन देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। करेक्ट है या नहीं है? और वो मिडिल टर्म क्या होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने होंगे उसके बारे में बात करेंगे। अब लिखो इफ एन इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स इवन देन देयर विल बी टू मिडिल टर्म। अब जैसे एन का वैल्यू अगर हम 10 लेंगे तो मिडिल टर्म क्या होगा, एक होगा, लेकिन कौन सा होगा, सिक्स्थ टर्म, फाइव इधर फाइव इधर, बीच वाला जो है एन प्लस वन बाई टू टर्म, एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म, एन बाई टू प्लस
नहीं, एन प्लस वन बाई टू है। कैसे? टेन अगर हम लेते हैं एन बाई टू, टेन बाई टू दैट इज फाइव। लिखो इन दिस केस मिडिल टर्म इज एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म। इफ एन इज इलेवन देन क्या होगा? ये तो इवन के केस में लिखा ना, n इक्वल टू 10 लिखा तो मतलब 11 है। हाँ वो तो ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू 11 देन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स 12, नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगे, तो मिडिल टर्म पांच इधर पांच उधर, छठा और सातवां n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस नो n प्लस 1 बाय 2 ठीक है ना। हाँ और n प्लस वन बाय टू प्लस वन, n प्लस वन बाय टू हाँ और n प्लस वन बाय टू प्लस वन, तुम लेकर देख लो। जैसे यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि यहां पर टी एन बाय, जैसे लेट n इक्वल टू 10 देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 11 ठीक है, देन देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, वो कौन सा होगा? T6। T6 का मतलब T 10 बाय 2 प्लस 1, इसका मतलब इन जनरल हम लिखेंगे टी एन बाय टू प्लस वन व्हेन एन इज इवन। नहीं समझे? व्हेन एन इज इक्वल टू 11 दैट इज ऑड, देन क्या हो जाएगा? एन